नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं गॉल ब्लैडर की पथरी को जड़ से ख़त्म करने के लिए होममेड रेमेडीज नहीं, आज जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होममेड रेमेडीज मैंने अपने ही चैनल पर आप सभी को बताया हुआ है पहले से, लेकिन आइए जानते हैं कोई अगर होम्योपैथी से इसका इलाज करना चाहता है तो कौन सी वो होम्योपैथिक दवाएं हैं, या कहें कौन कौन सी वो होम्योपैथिक दवाएं हैं जिनके प्रयोग से आप गॉल ब्लैडर की पथरी यानी कि पित्त की थैली की पथरी से निजात पा सकते हैं। नोट कर लीजिए आपको कौन कौन सी दवाएँ कार्य में लेनी चाहिए। नंबर 1 चेलिडोनियम क्यू, ये दवा बहुत ही कारगर है। इसके अलावा नंबर 2 बेरबेरीज वल्गारिज क्यू। इसके अलावा तीसरी दवा है फेब्रिना एम्बेरिकेटा क्यू। इसके अलावा चौथी दवा है ल्यूफाबिंडल क्यू। इन चारों दवाओं को आपको 10-10 मिलीलीटर लेकर के आपस में मिक्स करके कांच के शीशी में भर करके रख लेना है और 20-20 बूंद दवा दिन में 3 बार आधा कप पानी में घोल करके लेना है। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, इन चारों दवाओं को आपको 10-10 मिलीलीटर लेकर के आपस में मिक्स करना है। इसके बाद कांच की शीशी में भर करके रख लेना है और 20-20 बूंद दवा दिन में 3 बार आधा कप पानी के साथ लेना है। इसके अलावा जान लीजिए और कौन सी दवाएं हैं होम्योपैथ में जो गॉल ब्लैडर की पथरी को गला सकती हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण दवा है कैलक्यूली बिलारी 30 mg की लेना है। इसमें इसकी 4-4 बूंदे दिन में 3 बार पानी में मिक्स करके लेना है, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। इसके अलावा एक अन्य दवा भी है कोलेस्टेरिनम 30, इसकी 4-4 बूंदे दिन में 3 बार पानी में मिक्स करके लेना है। सब दवाएं अच्छी प्रतिष्ठित कंपनी के लिए, ये ध्यान रखें, इसमें से जो भी आपको दवा लेनी है प्रतिष्ठित कंपनी की इसलिए लें क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है और फ़ायदा जो होता है उन्हीं का मिलता है जिस पे 100% पता हो कि हाँ ये अच्छी दवा है। नहीं तो अगर मान लीजिए नकली दवा लेते हैं तो इससे तो आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसीलिए अच्छी कंपनी की ही दवा लें ताकि आपके लिए लाभकारी हो। दवाई के आधे घंटे आगे पीछे कुछ नहीं खाना है आपको, खास करके कच्चा प्याज, लहसुन, इलायची, फ्लेवर्ड मिल्क इत्यादि जो भी सुगंधित चीज़ें होती हैं, जो भी गंध देने वाली खाद्य पदार्थ होते हैं, इनका सेवन नहीं करना है। होम्योपैथिक दवा की कार्य प्रणाली में ये बाधा पहुंचाते हैं, यानी कि होम्योपैथ को ये पूरा कार्य अपना नहीं करने देते हैं। दवा मिक्स करके रखने के लिए बड़ी शीशी होम्योपैथी स्टोर पर ही मिलती है, घरेलू शीशियों का प्रयोग न करें, वह सुविधाजनक नहीं होती है, दवाई वेस्ट हो जाती है। इसीलिए आप होम्योपैथी की दुकान से ही आप शीशी लाएँ और उसमें रख करके सुरक्षित रख सकते हैं अपनी दवा को। इस इलाज से 2-3 महीने में पित्त की पथरी गल जाती है और आपको लाभ मिल जाता है, बहुत ही अच्छी। होम्योपैथ का इलाज का फ़ायदा ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करती है, बस आपको थोड़ा ज़्यादा दिनों तक दवाओं को लेना होता है, आपको लाभ होता है। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।